इसराइल के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक लेबनान में पेजर में धमाके हुए हैं। इसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें लेबनान के सांसद का बेटा भी है। हमले में 3000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं और घायलों में ईरान में लेबनान के राजदूत भी हैं और लेबनान के सांसद भी, जिनकी एक आंख चली गई है। इसके अलावा लेबनान के वो हिजबुल्लाह लड़ाके भी इसमें गंभीर घायल हुए हैं जो इसराइल के खिलाफ जंग लड़ते रहे हैं। ऐसे में इन धमाकों का सीधा सीधा आरोप इसराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगा है, जो इस तरीके के ब्लास्ट करवाने में माहिर है। तो क्या सच में ये धमाके मोसाद ने ही करवाए हैं? आखिर मोसाद ने ऐसी कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया है कि उसने लेबनान के पेजर तक हैक कर लिए हैं? और आखिर ये पेजर होता क्या है जिसके जरिए इतने बड़े धमाके को अंजाम दिया गया है? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आपको अल्लू अर्जुन वाली पुष्पा फिल्म तो याद ही होगी। उसमें एक सीन है जब पुष्पा शीनू के घर जाता है और चंदन की लकड़ी बेचने की डील करता है। इस दौरान वो शीनू के ही मोबाइल से चंदन की लकड़ी के सबसे बड़े खरीदार मुर्गन को फोन करता है और कहता है कि वो सिंडिकेट मेंबर है और अब वो शीनू को माल नहीं बेचेगा, सीधे चेन्नई आकर मुर्गन से बात करेगा। इस बातचीत में ही पुष्पा कहता है कि मेरे पेजर का नंबर लिख लो, 8384। ये वही पेजर है जिसका इस्तेमाल मोबाइल फोन आने से पहले किया जाता था। इसके जरिए सिर्फ मैसेज भेजे और रिसीव किए जाते थे। रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करके सारे मैसेज ट्रांसमिट होते थे। लेकिन जब मोबाइल आया तो उससे न सिर्फ बात होने लगी बल्कि मैसेज भी आने जाने लगे। और अब तो मैसेज भेजने के लिए व्हाट्सएप से लेकर टेलीग्राम और मैसेंजर से लेकर इंस्टाग्राम तक दुनिया भर के ऐप हैं। फिर भी लेबनान और सीरिया में लोग अब तक पेजर का इस्तेमाल करते थे, तो इसे जानकर थोड़ी हैरत तो होती ही है। लेकिन अगर आपको मैं ये बताऊं कि पेजर बिना मोबाइल नेटवर्क के भी काम करता है, तो आपकी हैरत शायद थोड़ी कम हो। जिन इलाकों में आज भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, वहाँ पेजर काम करता है और इसी के जरिए मैसेज भेजे भी जा सकते हैं और रिसीव भी किए जा सकते हैं। लिहाजा इजराइल से लड़ने वाले लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों को लड़ाई के दौरान ऐसे ऐसे इलाकों में भी जाना होता है जहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं होता। ऐसे में वो पेजर का इस्तेमाल करते हैं। बाकी पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह के इसराइल पर हमले के तुरंत बाद ही हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने से रोक दिया था। और इसकी वजह ये थी कि मोबाइल फ़ोन से कम्युनिकेशन के दौरान लोकेशन ट्रैक हो सकती है, जिसकी कोशिश इसराइल की सेना यानी कि IDF और इसराइल की खुफिया एजेंसी यानी कि मोसाद हमेशा करती रही है। हिजबुल्लाह की लोकेशन की ट्रैकिंग के दौरान ही मोसाद को इस बात का पता चल गया था कि अब हिजबुल्लाह के लड़ाके मोबाइल फोन नहीं बल्कि पेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में मोसाद ने अपने हमले का तरीका बदला। दुनिया भर की जो मशहूर न्यूज एजेंसियां हैं जैसे कि रॉयटर्स, अल जजीरा और न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्होंने दावा किया है कि ताइवान में बने पेजर की 5000 की जो खेप लेबनान जानी थी, मोसाद ने वहां तक अपनी पहुंच बनाई और फिर पेजर की बैटरी पर ऐसे बम फिट कर दिए जो किसी भी स्कैनर में स्कैन नहीं हो सकते थे। जब मोसाद इस बात को लेकर आश्वस्त हो गया कि पेजर की ये खेप लेबनान तक पहुंच गई है और इसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके करने लगे हैं, तो उसने 17 सितंबर को इन पेजर को हैक करके एक मैसेज भेजा जिसके जरिए विस्फोटक एक्टिवेट हो गए और फिर लेबनान की राजधानी बेरूत और हिजबुल्लाह का गढ़ माने जाने वाले पूर्वी बेका वैली में ऐसी तबाही मची जिसने मोसाद के खौफ को और भी पुख्ता कर दिया। बाकी ब्लास्ट ताइवान के बनाए पेजर में हुआ तो सवाल ताइवान और उसकी कंपनी गोल्ड अपोलो पर भी उठ रहे हैं, जिसके बनाए पेजर में ब्लास्ट हुए। लेकिन ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो के चेयरमैन सू चिंग क्वांग का दावा है कि जिन पेजर में ब्लास्ट हुए हैं उन पर नाम भले ही उनकी कंपनी का है, लेकिन इनको बनाया एक यूरोपियन कंपनी ने है जिनसे उनकी कंपनी गोल्ड अपोलो की पार्टनरशिप है। वैसे हमला लेबनान पर हुआ है तो नाम तो अमेरिका का भी आना तय है, और तभी अमेरिका ने खुद से ये बात कह दी है कि इस हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है और वो इस हमले की जांच कर रहा है। लेकिन अब दुनिया भर की नज़र हिजबुल्लाह पर है, क्योंकि हमला उसके घर में हुआ है, उसके कई लड़ाके घायल हैं, कई टॉप अधिकारियों के बेटे भी मारे गए हैं। तो हिजबुल्लाह ने इसराइल और मोसाद को इस हमले का अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। तो क्या इसराइल को एक और बड़े हमले के लिए तैयार रहना चाहिए? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या वाकई इसराइल एक और बड़े हमले के लिए तैयार है? क्योंकि अभी पिछले दिनों यमन के हूतियों ने जो मिसाइल अटैक किया था वो इसराइल के आयरन डोम को चकमा देता हुआ तेल अवीव तक पहुंच गया था। अगर हिजबुल्लाह ने भी वैसा ही हमला किया
और इसमें ईरान ने हिजबुल्लाह का साथ दे दिया तो फिर इसराइल के लिए एक बड़ी मुसीबत तय है। अभी के लिए शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।